हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड विश आप सभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे सब अच्छे से हैं। तो आज वीर का डे ऑफ है और वीर मिट्ठू सो गया था। हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे थे तो मिट्ठू सो गया, तो मैंने बोला कि आप घर में ही रहो मिट्ठू के साथ, आप भी रेस्ट करो और मैं लेके आ जाती हूँ ग्रॉसरी। तो आज मैं आपको ले जाऊँगी अपने साथ ग्रॉसरी लेने के लिए, कि हम यूजली वैसे तो है घर में लेकिन थोड़ा बहुत जो भी लेना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले मेरे साथ। तो जो सुपर मार्केट है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि सब्जी वगैरह हम लोग ओपन मार्केट से लेती हूँ मैं, और जो अदर्स चीज़ें हैं वो सुपर मार्केट से लेती हूँ। तो सुपर मार्केट मेरे घर के ही पास में है, तो अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है और कैसी है। तो मैं ये बैग्स घर से ही लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ तो प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम घर से ही ये बैग्स लेके आएँ। और ये है सुपर मार्केट, तो साथ में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हैं सारे जूसेस वगैरह, जो भी फ्रेश ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। तो मैं लेके जा रही हूँ ये वाला, ये फ्रूट पंच है। ये 41 मतलब 410 का है, लेकिन अभी डिस्काउंट में है 290 का। तो ये लेके जाऊँ क्योंकि ये मुझे और वीर दोनों को पसंद है। यूजुअली हम ये लेके जाते हैं, लेकिन वीर ने मना किया है क्योंकि लगातार यही पी रहे हैं। तो ये 200 का एक पैक आता है। और बाकी मैं ये लेके जा रही हूँ ये याकुल्ट। मैंने एक जूस ले लिया और एक याकुल्ट ले लिया। ये बहुत ही, इसमें बहुत प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो बस अभी ये ले रही हूँ, आगे दिखाती हूँ आपको क्या क्या ले रही हूँ। और यहाँ पे ऐसा दूध मिलता है, ये इसको बोलते हैं फ्रेश दूध। ये कॉलून डेरी है, ये हांगकांग में ही प्रोड्यूस होता है आई थिंक सो। तो ये है फ्रेश मिल्क, ये सारे मिल्क हैं यहाँ पे। ये ब्रेड्स वगैरह तो मैं लेके चली गई थी, तो अभी मुझे लेने हैं ओट्स। तो ओट्स यहाँ पे रहता है, लेकिन आई डोंट नो कहाँ है छोटा वाला पैक। तो यहाँ पे ऐसे रेडी पराठा मिलते हैं, ये प्लेन वाला है और ये अनियन पराठा है। अच्छे होते हैं, मैंने भी ट्राई करते हैं, वीर इन्हें बहुत खाता है। लेकिन नहीं जाऊंगी, मैं बस आपको दिखा रही थी। तो ये 240 के हैं और आई थिंक पांच परांठे भी होते हैं एक उसमें, पांच परांठे। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगी, ये देखिए, ये है समोसा। इसमें अच्छा नहीं होता है वैसे ये, इसमें क्योंकि सब चीज होता है, शिमला मिर्च भी, कैरेट वगैरह भी, इतना टेस्ट तो नहीं करता है। लेकिन शुरू शुरू में तो मुझे इसी में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि कुछ तो मिलता है। ये सारा ये फ्रोजन फूड है।
चिप्स वगैरह तो मैं कल लेके आई थी परसों, तो मुझे लेने कुरकुरे, तो वो मैं इंडियन शॉप से लूँगी, इंडियन ग्रोसरी में जाके। बाकी अब मुझे तो लिस्ट चेक करनी पड़ेगी मैंने क्या क्या लेना है। चिप्स का सेक्शन है देखिए, इसमें लेस तो बहुत हैं, ग्रीन येलो ये सारे फ्लेवर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चिप्स इंडियन टेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। ये चीटोज हैं, ये भी काइंड ऑफ कुरकुरे की तरह होते हैं, लेकिन कुरकुरे के जैसे तो नहीं होते हैं। तो ये जो लेस हैं इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है इंडियन वाले लेस से, तो बस ये भरम ही होता है कि लेस मिलते हैं। ये है सारी ड्रिंक्स का सेक्शन जहाँ पे सारे ड्रिंक्स रहते हैं, सारी चाइनीज टी रहती हैं, पता नहीं क्या क्या। तो मैं यहाँ से लूँगी पहले तो फैंटा लूँगी मैं, ये रहा मेरा फैंटा। तो ये 55 डॉलर का दो लगे हैं और 38 का एक है, तो इसलिए मैंने दोनों उठा लिए। और वीर के लिए भी कुछ लेना है, वीर का भी बहुत कुछ लिख रखा है। तो लेट्स सी, यहाँ पे अभी ये लोग स्टोर कर रहे हैं सामान को, तो बहुत मैसी हो रखा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं। Excuse me. तो ये सारी पैक्ड जो है ये मीट होती है, सारा नॉन वेज होता है, जो पोर्क हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सारे ऐसे इसमें पैक्ड होते हैं। ये तो सॉस है, लेकिन फ़िश दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये फ़िश ऐसे पैक्ड होती है, कुक भी होती है, तो बस इसको निकाल के हल्का सा सौते कर लो और इसको ब्रेड या किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। तो मैं वीर के लिए हैम लेके गई हूँ, और बाकी अदर साइड यहाँ पे सारे सॉस वगैरह हैं। यहाँ पे एक सॉस था, वो होता है मैगी सॉस, वो मुझे मिल नहीं रहा है अभी। तो बाकी ये सारे सोया सॉस वगैरह, सारे चाइनीज सॉस होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे सारे टिश्यूज़ वगैरह, सारे जो टॉवल होते हैं, किचन टॉवल, हैंड टॉवल, और ये सारे लॉन्ड्री का सामान है। अभी मैं गलत टाइम पे आई हूँ, ये दिन का टाइम है, दिन के टाइम पे कस्टमर तो कम होते हैं, लेकिन ये लोग रिफ़िल करते हैं, सारी चीज़ें रिफ़िल करते हैं, इसलिए यहाँ पे इतना वो हो रखा है, सारे बक्स हैं बहुत सारे पड़े हुए। वीर ने जो लिस्ट दी है मुझे, वो लिस्ट आप देखोगे तो देख के आप दंग रह जाओगे, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है उसने कसम से। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ, सॉल्ट लेना है मुझे, और मुझे लेने हैं स्पैगेटी पास्ता वगैरह, स्पैगेटी तो यहीं पे है। तो लेट्स चेक इट आउट, गॉड यहाँ तो हर जगह सामान पड़ा है। ये सारी बियर है यहाँ इस साइड में, और ये सारी ड्रिंक वाइन्स वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसे ओपन मिलती है, ऐसा नहीं है, बस वही है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए,
इफ़ दे हैव एनी डाउट वो आईडी चेक करते हैं और बस लेके जाते हैं। ये सारे यहाँ पे कैंस हैं। अभी सॉल्ट लेना है और वीर ने लिखा है डम्पलिंग्स, तो डम्पलिंग्स लाइक मोमो के जैसे होते हैं वो भी लेने हैं, वो भी लेके जाने पड़ेंगे जनाब के लिए। यार छुट्टी है तो आज तो ले जाना बनता है। तो मैंने वीर को पूछा फ़ोन करके, तो वीर ने बोला कि ये वाला लेके आया, तो मैं ये वाला लेके जा रही हूँ। अभी चलते हैं, अभी सॉल्ट लेना है और पास्ता वगैरह लेना है। तो अभी ढूंढते हैं सॉल्ट एंड एक्सक्यूज मी, तो आई थिंक दिन में लोग स्टोर करते हैं चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ है। मुझे लगा था दिन में भीड़ नहीं होगी तो मैं अच्छे से शूट कर पाऊँगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। अभी तो बहुत ज़्यादा ही रश है, लगता है हर किसी को यही लगता है। माय गॉड, ये तो पास्ता 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 मुझे लेना है, पास्ता, ये रहा पास्ता। तो ये है सारे पास्ता, स्पैगेटी, पैने, ये मैक्रोनी, ये है मैक्रोनी पास्ता और पता नहीं कौन कौन से, कि मुझे तो नाम भी नहीं पता। और ये है स्पैगेटी, नहीं ये वर्मिसेली बोलते हैं, शायद वर्मिसेली है। तो मैं लेके जाती हूँ, यही लेके जाती हूँ और लेके जाऊंगी आई थिंक ये मैक्रोनी पास्ता भी लेके जाती हूँ, पर आई डोंट नो कौन सा ले जाऊँ, कौन सा ले जाए। तो मैंने ये मैक्रोनी ली और ये पास्ता लिया, मतलब ये मैक्रोनी और ये वर्मिसेली पास्ता। और अभी जाते हैं दूसरी तरफ क्योंकि मुझे कप नूडल्स वगैरह भी लेने हैं। तो लेट्स गो। सब तो ले लिया है, अभी करते हैं पेमेंट क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और वीर ने तो पिज़्ज़ा भी मंगाया था, लेकिन पिज़्ज़ा तो मैं लेके नहीं जा रही हूँ। तो अभी मैं सॉसेजेस लेती हूँ। अभी है बचा हुआ, तो अभी बची है आइसक्रीम, तो अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी सब्जी होती है, देखो ये पैक्ड है क्लिंग रैप्स में और काफ़ी दिनों से रहती है। ऑब्वियसली पर डे तो ये लोग चेंज नहीं करते हैं और पर डे हर दिन तो सेल नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ से ले जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। हाँ कभी कभी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ले जाते हैं। फ्रूट्स वगैरह तो मैं ले जाती हूँ जो नहीं मिलते हैं, लेकिन सब्जियाँ मैं ओपन मार्केट से ही लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इसमें सब कुछ सॉस वगैरह, आई मीन वो जो होता है जैसे मसाला बोलते हैं, मैरिनेट करके रखा है चिकन मटन जो भी है,
सारी चीज़ें, और फिर इनको लेके जाओ एंड जस्ट फ्राई करो या सौते करो, स्टीम करो, जो भी करना है। बस यहाँ इन लोगों ने लाइफ बहुत शॉर्टकट बना रखी है। ये देखो, ये फ्रेश नूडल्स हैं, तो ये वाले तो बहुत वैसे बना रखी है कि जाओ एंड ले जाओ एंड खाओ बस। बहुत टाइम से ड्रायर्स की आइसक्रीम नहीं खाई, तो आज मैं ड्रायर्स लेके जाऊंगी। वीर तो गुस्सा बहुत करेगा, लेकिन मैं ये वनीला फ्लेवर लेके जाती हूँ। 500 की समझ लीजिए, 500 की है। तो बस अभी मेरा हो गया डन। आई डोंट नो मैं इतना सामान लेके कैसे जाऊंगी घर। आजकल स्ट्रॉबेरीज इतनी सस्ती हो रखी है, देखिए 330 340 में ये पूरा बॉक्स है, एंड इसमें काफ़ी रहती हैं। और ये हैं अंगूर, फ्रूट्स मैं लेके जाती हूँ, इस तरफ भी लगे हैं फ्रूट्स। और ये सारे एप्पल, ग्रीन एप्पल और ड्रैगन फ्रूट, और ये भी एप्पल हैं, ये लाइम्स हैं, नींबू हैं, सॉरी लेमन है ये। तो बस अभी कर रही हूँ मैं चेकआउट करूँगी अभी। माय गॉड, यू कैन सी मी। ये दो बैग मैं लेके जा रही हूँ। अभी तो बहुत सामान बचा हुआ है, कुछ मैं लेके भी नहीं आई, अकेली आई हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया। अभी साथ में होता तो कुछ भी नहीं उठाती। तो अभी जा रही हूँ घर, फिर घर में मिलती हूँ आपको। अभी तो इंडियन ग्रोसरी में जाना है मुझे, पता नहीं कब तक जाऊँगी। तो मैं बोलना कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मतलब मेरा घर है सुपरमार्केट के कितने पास में। तो बस अभी घर निकल रही हूँ। ओ माय गॉड, मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा। मेरे दोनों बैग भरे पड़े हैं, और अभी ऑलमोस्ट घर पहुँच गई। वैसे जैसे बीर की गालियाँ तो खाऊँगी मैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी बिल्डिंग के नीचे, बस लिफ्ट में जाने की देर है। तो बस मेरे जस्ट पीछे ही ये सुपरमार्केट है, बिल्डिंग के बिल्कुल पास में ही, इसीलिए मैं इतना भर भर के लाई हूँ। अदरवाइज़ दूर होता तो मैं नहीं लेके आती। बस घर जाती हूँ, बीयर की गालियाँ तो बहुत खाऊँगी मैं। वो तो यही बोलेगा काम का तो कुछ भी नहीं लाई, और बोल रही है कि भारी हो गया भारी हो गया। क्योंकि वो होता है ना कि 4 एक साथ ले लो तो थोड़ा डिस्काउंट है, ऐसे में मैं बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, तो इसलिए मैं लेके आ गई यार। ओह गॉड, और अभी बहुत सामान तो अभी लाई नहीं हूँ। अभी तो इंडियन मार्केट में जाना है मुझे, मतलब इंडियन शॉप में जाना है और वहाँ से लेके आना है। तो ये मैं अपनी बिल्डिंग में पहुँच भी चुकी हूँ। तो बस अभी करते हैं, अभी करती हूँ लिफ्ट का। ओह गॉड, वैसे मुझे बहुत टाइम बाद मैं ऐसे बाहर निकली हूँ अकेले, मतलब कि हमेशा तीनों साथ में ही जाते हैं हम लोग। तो
बस फिर घर जाती हूँ। मिट्ठू के लिए स्नैक भी बनाना है, फिर बीर और अपने लिए भी कुछ बनाना है। अभी तो वो मुझे खाया क्योंकि उसने पिज़्ज़ा मंगाया तो मैं लेके नहीं आई। तो देखते हैं क्या बनाते हैं स्नैक में।